मैंने ये ब्रांड के शूज लिए और मैं ये चीज बोल सकता हूँ भाई कि स्टॉप बाइंग दिस इंटरनेशनल ब्रांड शूज बिलो 2K। जब मैंने शूज को अनबॉक्स करके अपने हाथ में लिए ना भाई, बहुत ही ज्यादा बेसिक शूज की वाइब आई। आई वाज लाइक भाई इसकी 4000 रुपए की एमआरपी है और मैंने इसको 1800 रुपए के आसपास लिए। भाई मैंने काफी देखा यार कि इंडियन ब्रांड जो है ना भाई, वो 2000 रुपए के नीचे में बहुत ही ऑसम शूज बना रहे यार। हम क्यों भाई ये इंटरनेशनल ब्रांड के बहुत ही बेसिक शूज भाई 2000 रुपए के नीचे ले रहे हैं? बिकॉज इंडियन ब्रांड से भाई अपने को बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉलर कुशनिंग, मतलब बहुत ही अच्छी मेमोरी फोम इंसोल मिल जाती है यार, और उसके अलावा सोल की कंपाउंडिंग भी काफी नेक्स्ट लेवल मिलती है अराउंड 2000 रुपए के आसपास। तो भाई हम इंटरनेशनल ब्रांड के शूज में क्यों फंसे? और भाई इंडियन ब्रांड तो आजकल बहुत ही ज्यादा टीपीयू कंपोनेंट दे रही है भाई उनके स्पोर्ट शूज में, जो कि दिखने में और भाई ड्यूरेबिलिटी वाइज भी काफी अच्छे हो जाते हैं। और भाई ये टाइप के शूज आप ऑर्डर करने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते भाई कि ये ओरिजिनल है या फेक है, वो टेंशन आपकी अलग चलती रहती है। बेटर डोंट गो विद दिस एंड स्विच टू इंडियन ब्रांड स्पोर्ट शूज अराउंड 2K। और भाई इन सब इंटरनेशनल ब्रांड के शूज में अगर जाना है ना, तो 4-5000 रुपए के ऊपर वाले रेंज में जाओ ना यार। ये 2000 के जूते इस टाइप के बेसिक लेके क्या मतलब है भाई? पहले तो कोई था नहीं बताने वाला, अब तो मैं हूं ना।